बीबीके न्यूज बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गहलोत ने मंत्री विधायकों को दिए उनके पसंद के अफसर, आधी रात 201 आरएस अफसरों के ट्रांसफर हुए। जोधपुर में दो पक्षों में पथराव, दुकान में तोड़फोड़, 3 वाहनों के कांच भी फोड़े। पुलिस आरएसी की तैनात के बाद शांति। टोंक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पुलिस की झड़प, 2 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। और खबरें विस्तार से। गहलोत सरकार ने प्रदेश में बड़ा सियासी संकट के बीच प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 201 राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। दशहरा की रात निकाली गई ट्रांसफर लिस्ट में मंत्री विधायकों की डिजायर के आधार पर बड़े स्तर पर ट्रांसफर हुए हैं। मंत्री विधायकों की लंबे समय से चली आ रही डिमांड को पूरा करने की कोशिश की गई। तहसीलदार सेवा से प्रमोट होकर आरएस बने 20 अफसरों को भी पोस्टिंग मिली है। सूत्र बताते हैं कि विभागों में मंत्रियों को उनकी पसंद के अफसर दिए गए हैं। कार्मिक विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी देवेंद्र कुमार ने तबादला सूची जारी की है। रेवेन्यू बोर्ड अजमेर के सदस्य लाला राम गुगरवाल को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत का विशिष्ट सहायक बनाया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के पर्सनल सेक्रेटरी पद पर अनुराग हरित को लगाया गया है। हरित अलवर के मालखेड़ा के उपखंड अधिकारी थे, एपीओ चल रहे थे। आरएस राजेंद्र सिंह को भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर लगाया गया है। खबर डोंगरगढ़ से है, जहां गांव उदासर से सालासर महाराज की पैदल यात्रियों का संघ आज सुबह अथुनाबास के बालाजी महाराज मंदिर से रवाना हुआ। सुबह 6:15 बजे रवाना हुआ। गांव के बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें सब संघ को रवाना करने आए। पूरा गांव बालाजी महाराज की जय जयकारों से आनंदमय हो गया। कहीं गुलाल तो कहीं फूलमालाओं से ग्रामीण यात्रियों का स्वागत किया गया। डीजे पर बजते भजनों पर यात्री थिरकते लगे। खबर जोधपुर से है, बीजेस कॉलोनी क्षेत्र में आरटीओ के आसपास 2 युवकों में विवाद के बाद 2 पक्ष आमने सामने हो गए। मामला इतना बड़ा कि दोनों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। आरटीओ के पास फैंसी की एक दुकान में तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान वहां हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस पहुंची। लोगों की भीड़ ज्यादा बढ़ी तो पुलिस का जाब्ता बढ़ाया गया। आरएसी के जवान भी तैनात करने पड़े। इस दौरान एक कार और 2 ऑटो रिक्शा की कांच भी फोड़ दिए गए। पुलिस और आरएसी ने डंडे फटकार कर और कुछ युवकों को पकड़कर स्थिति को नियंत्रण किया। मामले में नटबस्ती के 5 लोगों को हिरासत में लेकर देर रात केस दर्ज किया गया। वहीं मौके पर पहुंची डीसीपी डॉक्टर अमृता दुहान ने बताया कि पास में स्थित कॉलोनी में कुछ लोगों ने आकर पत्थर बरसाए, जिससे कारों के शीशे टूट गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत मौके पर पहुंची। साथ ही मामले में दोनों पक्षों से समझाइश कर ली गई है तथा जो भी असामाजिक तत्व थे उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मैम, क्या घटना हुई थी और अब क्या स्थिति है? मिली थी कि कुछ पास में ही पड़ोस के इधर बीजेस कॉलोनी के लड़कियों का माहौल है, वहाँ के कुछ बदमाश लड़कों ने आकर यहाँ पर एक दुकान में पत्थरबाजी की, जिससे उस दुकान के शीशे टूट गए। इधर जो अंदर महिलाएं थी वो भयभीत थी और काफ़ी नुकसान हुआ। इस बात को हमने पूरे गंभीरता से लिया। तुरंत हम सभी उच्चाधिकारी मौके पर आए हैं। जाब्ता पर्याप्त लगा है। इससे आम जो जन था उसमें आक्रोश, वो अभी हम सबको समझाइश करती है, तुरंत FIR दर्ज कर दी जाएगी। और जितने भी इसमें असामाजिक तत्व, अपराधी किस्म के या बदमाश लड़के हैं जो इस घटना में शामिल है, उनको तुरंत
गिरफ्तार किया जाएगा, टीम गठित कर। खबर टोंक से है, जहां रॉयल्टी नाका कर्मियों द्वारा दबंगाई से परेशान होकर ग्रामीणों ने लगाया था जाम। इसी दौरान मौके से गुजर रहे थे पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष, पूर्व जिला प्रमुख और वर्तमान के पीसीसी सदस्य रामविलास चौधरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास है। रामविलास चौधरी आक्रोशित ग्रामीणों के साथ कह रहे थे कि पुलिस के साथ वार्ता इसी दौरान हुई। हॉट टॉक के बाद पुलिस ने रामविलास चौधरी के साथ धक्का मुक्की की। इसी दौरान पुलिस की पकड़ से छूटने की कोशिश करते दिखे चौधरी। पुलिस ने पकड़कर जबरन गाड़ी में बिठाया और रॉयल्टी नाका कर्मियों से परेशान है। इसी के चलते ग्रामीणों ने लगाया था टोंक मालपुरा मार्ग पर जाम। जाम हटवाने और ग्रामीणों से वार्ता करने पहुंची थी पुलिस। इसी दौरान घटना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और दिव्या मदेना सहित कई कांग्रेस नेताओं ने की। रामविलास चौधरी के साथ दुर्व्यवहार की निंदा, साथ ही निवाई सीईओ रुद्र प्रकाश शर्मा को सस्पेंड करने की मांग। अब टोंक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री के खास रामविलास चौधरी से बदसलूकी के मामले में पुलिस कर्मियों पर गिरिराज गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की थी सरकार से पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की मांग। दो पुलिस कर्मियों को इसी मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। ये रॉयल्टी वालों के यहाँ पर जो दादागिरी है वो चलती है। ये आते हैं बिना नंबर की, इनकी गाड़ियाँ होती है, इनके गाड़ियों के शीशे काले रंग के होते हैं। ये गांव में घुस जाते हैं बहुत स्पीड से, इनसे अगर कोई कुछ कहे तो ये दादागिरी करते हैं, मारने पीटने पर उतर जाते हैं। अभी सुरमालाल नाम का एक कीर था जो यहाँ जयनारायण बेरवा की दुकान पर सामान ले रहा था, ये आए आकर के इन्होंने वहाँ लकड़ी निकाली, पत्थर निकाले और उससे मारपीट चालू कर दी। जयनारायण इनको बीच बचाव कराने लगा तो उसके साथ मारपीट कर दी, उसकी दुकान में घुस गए, दुकान में तोड़ फोड़ कर दी। तो ये इस तरह की दादागिरी है इनकी, जिसमें प्रशासन भी इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करता है। प्रशासन से यही है कि इनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। ये रॉयल्टी वालों का आतंक है, रॉयल्टी वाले इनसे गांव वालों से बिना मतलब की दादागिरी करते हैं। अगर इनको कोई शिकायत है तो पुलिस को साथ लेकर के जो अवैध काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्यवाही करे। गांव वालों के खिलाफ क्यों ऐसा करते हैं? हम तो दुकानदार है, ये दुकानदार है, दुकानदार के साथ मारपीट करने का क्या मतलब है? पैसे वो निकाल लेंगे। मारपीट इस तरह से की गई कि इसकी दुकान पे सुरमालाल नाम के कीर को सामान दे रहा था, वो आए आकर के उन्होंने लट निकाले, पत्थर निकाले और उसके साथ मारपीट करने लग गए। जब जयनारायण बचाने लगा तो इसके साथ मारपीट कर दी, इसकी दुकान में घुस गए, तोड़फोड़ कर दी। ये बचने के लिए अंदर गया तो पता नहीं गले में इसे क्या लिया क्या नहीं लिया, ये जयनारायण जानता है कितना क्या करा है। खबर मध्य प्रदेश के बाणसागर से है, जहां बाणसागर देवलोद में दशहरा उत्सव कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। राउंड देन के कार्यक्रम को नगर पंचायत खांड एवं दशहरा उत्सव समिति बाणसागर के तत्वावधान में आयोजित हुआ। रावण दहन के इस कार्यक्रम में दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष के पी सिंह ने धीरू सिंह, कमलेश गुप्ता, शारदा गुप्ता, गया पारसी और रामपाल गौतम के अथक प्रयासों से संपन्न हुआ। आपको बताते चले कि इस दशहरा उत्सव कार्यक्रम में इस बार लगभग 25 से 30 जनता रावण दहन का कार्यक्रम देखने आई और यह सारा कार्यक्रम की व्यवस्था केपी सिंह और उनके सदस्य साथी चंदा एकत्रित करके और स्वयं प्रयास करके संपन्न करवाया गया। खबर आगरा से है, जहां बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी कल बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ताजनगरी आगरा में भी विजयदशमी की धूम है। आगरा के रामलीला मैदान में बुराई के प्रतीक रावण का सबसे बड़ा पुतला 110 फीट का बनाया गया, जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा बताया जा रहा है। पिछले साल इस रावण के पुतले की लंबाई 90 फुट थी। आपको बता दें कि आगरा में रावण दहन से पूर्व आतिशबाजी प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है, जिसको देखने के लिए आसपास के जनपदों से लोग आगरा आते हैं। इस बार तो आतिशबाजी प्रतियोगिता आगरा और पीलीभीत के आतिशबाजों के बीच हुई, जिसमें राजनीतिक संदेश, पर्यावरण, अयोध्या और योगी राज की तस्वीरें देखने को मिली। साल पहले हमारे पुरखों ने आगरा में रामलीला के मंचन को शुरुआत किया था, उनके सभी आने वाली पीढ़ियों ने,
इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और रामलीला कमेटी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी के नेतृत्व में यहाँ मुकुट पूजन हुआ, फिर गणेश पूजन हुआ, इसके बाद राम की बारात निकली। भयंकर बारिश में आगरा के लोगों ने राम बारात 7 घंटे बरसात में गए। जनकपुरी भव्य तरीके से बसाई गई बनाई गई। इसके बाद यहाँ रामलीला का मंचन हुआ। आज रावण का वध हुआ है। विजयदशमी की बधाई और शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को। यह बुराई पर अच्छाई की जीत है, अधर्म पर धर्म की जीत है, अनीत पर नीत की जीत है, दुराचार पर सदाचार की जीत है और पाप पर पुण्य की जीत है। हमें ये प्रेरणा मिलती है, रावण बहुत विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था, काल को पाठ से बांध रखा था, सूरज चांद उसकी आरती उतारते थे, लेकिन दो बुराइयाँ थीं। एक उसने दूसरे की स्त्री का अपहरण किया जो मृत्यु का कारण बना, एक उसका घमंड उसको उसकी सोने की लंका को उसके परिवार को ले डूबा। सबसे पहले आपके माध्यम से सभी आगरा वासियों को मैं दशहरा की हार्दिक बधाइयां देता हूं और आज दशहरा के दिन यहां रामलीला मैदान में रामलीला का आयोजन किया गया है और इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल को यहाँ लगाया गया है और हर जगह पे आप देख पा रहे होंगे चेकिंग एंड फ्रिस्किंग हो रही है ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो। भीड़ है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं और ये सकुशल संपन्न होगा। खबर जालौर से है जहां विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव जोड़ा में इलेक्ट्रॉल किंग ब्लॉक खर्जा में चार दीवारी ऊपर उठवाने का कार्य और सार्वजनिक सभा भवन के आगे चौक में सीसी निर्माण कार्य तथा सीसी सड़क निर्माण कार्य कुकाराम दानाजी के घर से पेचका तक के कार्य का लोकार्पण किया। इस समारोह के दौरान विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने गांव की विभिन्न समस्याओं को लेकर जन सुनवाई भी की और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को लेकर स्वच्छ जोड़ो जोड़ा कैसे बने उसको लेकर भी ग्रामीणों को आग्रह किया। खबर चंदेरी से है जहां नवरात्रि का महापर्व समापन हुआ। दशहरा निकाले चल रहे समारोह और रावण दहन के साथ हो गया। इन 9 दिनों में शहर की हर गली, हर मोहल्ला और हर सड़क पर मैया के ही जयकारे और भजनों की गूंज आ रही थी। आकर्षक झांकियां भी लगाई गई थी। हवन के साथ ज्वारे विसर्जित किए गए और भव्य चल समारोह के साथ मैया को विदाई दी गई और पूरे 9 दिन तक बच्चों के नृत्य की धूम मची रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान